हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बच्चे लोगों, ऑडिट में इस बार हम लोगों का जो कोर्स कवरेज रहेगा उसमें है कारो 2020। जी हाँ, इस बार कारो आने की एप्लीकेबल 2020 तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से चीजें आगे बढ़ती रही और फाइनली हमने 2020 की जगह पे वापस 2016 पर बात किया पिछली बार भी, लेकिन इस बार फाइनली हमारे एग्जाम में मई 22 के एग्जाम्स के अंदर कवर होने जा रहा है कारो 2020। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कारो 2020 पर, और इसको हम लोगों ने यहां से लिया है स्टडी मटेरियल से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बेस्ट मटेरियल अगर कहीं दे रखा है इसका तो वो स्टडी मैट से है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टडी मैट से पढ़ने वाले हैं यहां पे कारो 2020। तो आप लोग बेसिक पॉइंट्स सब लोग जानते हैं कि जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट तो चलो सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग वो कर ही रहा है, उसके पावर्स के अंदर उसको काम करना ही है, लेकिन उसके अलावा नाउ टाइम जो है वो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020 के अकॉर्डिंग कुछ और चीजें हैं जिन पर उसको खास करके कुछ और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और उन्हीं के ऊपर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोगों, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको समझेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है, और कई सारी चीजें आपको सीधा सीधा सा ध्यान में रखनी है, कई सारी चीजें आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर बहुत बढ़िया है तो बहुत अच्छी तरह से आप यहां पे कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, हमेशा की तरह बिल्कुल वैसा ही जैसे कारो 2016 में था, सेम रिक्वायरमेंट है, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी, यानी कारो जो है वो हर कंपनी के ऊपर अप्लाई रहेगा, यानी ऑडिट रिपोर्ट जो जारी है तो वहां पे कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर की कुछ रिक्वायरमेंट भी आजकल ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होती है, बराबर। तो ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा, जो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर कंपनीज एक्ट में। आप जानते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर है लेकिन जिनका बिजनेस प्लेस जो है वो इंडिया के अंदर है, उनकी हम बात करें फॉरेन कंपनीज के ऊपर, तो उन पे भी कारो की रिक्वायरमेंट जो है वो लगने वाली है, ठीक है। लेकिन खास बात कह दिया, एक्सेप्ट बच्चों, इस पर कई बार डायरेक्टली 4 नंबर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन जो है वो एकदम डायरेक्टली यहां पे बन जाता है ना, आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि भाई बताओ कारो का नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां पर है, तो अपने को बताने भी कारो एप्लीकेबल तो है एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन पर कारो नहीं लगेगा, यानी जिसमें उनको ये रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बराबर। तो सबसे पहले नंबर पे आया बच्चे लोगों, शॉर्ट में याद करिए, बैंकिंग कंपनीज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनीज को अपने ऑडिट रिपोर्ट में कारो को इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज को इसका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, इस बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी नहीं लिखा हुआ है, तो ज्यादातर सब जगह पे होता है, तो बैंकिंग कंपनीज को नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी एग्जम्पशन दे दिया। तीसरा नंबर बच्चों, हमारा पुराना पॉइंट है कंपनी लॉ, आप सबने पढ़ा हुआ है, सेक्शन 8 कंपनियां जो नॉट फॉर प्रॉफिट वाली होती है, जिनके लिए लाइसेंस लेना होता है, उनको भी कारो की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके अलावा ओपीसी हमारा जो है वन पर्सन कंपनी, बराबर, सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर, पूरा नहीं भी याद रहे तो ओपीसी के ऊपर इसके प्रोविजन नहीं लगेंगे, एज वेल एज स्मॉल कंपनी हमारी जो कंपनीज है के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 में है, उन पे भी कारो की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी बच्चे लोगों। तो पहले 4 पॉइंट, बैंकिंग कंपनीज पर नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनीज पर नहीं लगेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के ऊपर ये नहीं लगने वाला है, बराबर। उसके अलावा यहां पे ओपीसीज के ऊपर ये नहीं लगेगा, और साथ साथ में स्मॉल कंपनी पे भी नहीं लगने वाला है, बराबर से। तो बैंकिंग कंपनीज पर नहीं लग रहा है बच्चे लोगों, बहुत सीधी सीधी सी बात है, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज पर नहीं लग रहा, इंश्योरेंस कंपनीज पर नहीं लग रहा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज पर नहीं लग रहा, बिन, बराबर से। उसके अलावा वन पर्सन कंपनीज पर नहीं लग रहा है, स्मॉल कंपनीज पर नहीं लग रहा है, और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी नहीं लग रहा है, बराबर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी, सारी प्राइवेट कंपनी को एग्जम नहीं किया है, कुछ कंडीशंस यहां पे दे रखी है जिन पर हम लोग बात करेंगे, अगर वो प्राइवेट कंपनियां ये कंडीशंस फुलफिल करती हो तो उनको भी एग्जम्पशन मिलेगा, नहीं तो उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारो की रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए बराबर से, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। अब आता है बच्चे लोगों प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनीज किन पर कारो की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी जो न तो किसी की सब्सिडरी है न किसी की होल्डिंग है, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, बच्चे लोगों ये कंडीशन नंबर पहली,
अपना एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी की ना तो सब्सिडरी है, क्योंकि पब्लिक का सब्सिडरी होने का मतलब आप भी पब्लिक कंपनी हो गए, हम पढ़ के आए बराबर, सेम वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी नहीं है, अदरवाइज भी आपको रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक कंपनीज अगर है तब तो कारो होना वहां पर जरूरी है बराबर। सेकेंड कंडीशन, अच्छा ये सारी कंडीशन एक साथ पूरा होना चाहिए बच्चे लोगों, आप समझ जाएंगे, कॉमा लगाए कहीं पे और नहीं है। Having a paid up share capital and reserve and surplus, देखो capital and surplus, not more than, क्या लिखा है बच्चे लोगों, 1 crore rupees as on the balance sheet date। ऐसी private company जो न किसी public company की holding है न subsidiary है। दूसरी requirement, जिसका capital बराबर से capital और reserve जो है वो not more than 1 crore rupees, 1 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अप टू 1 crore होना चाहिए बराबर, अप टू 1 crore चलेगा, ये मतलब हो गया ना, एक बाइस नॉट मोर देन 1 crore। तो कई लोगों ने पूछा सर अगर एग्जैक्ट 1 crore हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर बोल दिया 1 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 crore या उससे कम है तो चलेगा, तो अप टू 1 crore जिसका है पेड अप कैपिटल और टर्नओवर। फिर बच्चे लोगों आगे अगर मैं बढ़ू तो यहां एंड लगा हुआ है, विच डज नॉट हैव टोटल बोरोइंग एक्सीडिंग 1 crore, समझ रहे हैं, यानी जिनका बोरोइंग्स जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो भी अप टू 1 crore ही होना चाहिए बराबर। कंडीशंस देखते जाना, इन चार कंडीशंस हम यहां पढ़ने वाले हैं, इनमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, एक भी हटी, तो प्राइवेट कंपनीज को यहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब एग्जम्पशन चाहिए तो आप चारों कंडीशन पूरी करो, ना तो आप किसी की पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी हो, आपका पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिलाकर के 1 crore से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है आपका जो बोरिंग से फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कभी भी यहां पे 1 crore से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बराबर। फिर से एंड लगा हुआ है बच्चे लोगों देखिएगा, एंड विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू, जो आपने शेड्यूल थर्ड के हिसाब से कंपनीज एक्ट में बताया होगा बराबर, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो आपने कर दिए शेड्यूल थर्ड में, जो आप अपना रेवेन्यू दिखा रहे हो टोटल वाला, वो कहीं पर भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो और या तो एक्सीडिंग 10 करोड़ लिखा हुआ है बच्चे लोगों, डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू एक्सीडिंग 10 करोड़, यानी जिनका टर्नओवर जो है वो भी कितना होना चाहिए, अप टू 10 करोड़, 1 crore, 1 crore, 10 करोड़। तो बच्चों चार कंडीशन, ऐसा प्राइवेट कंपनी जो न किसी पब्लिक का होल्डिंग और सब्सिडरी है, नंबर टू जिसका कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1 crore से ज्यादा का नहीं है, जिसका बोरिंग्स फ्रॉम बैंक एंड पीएफआई 1 crore से ज्यादा का नहीं है, और जिसका टर्नओवर नेट टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं, टर्नओवर की जगह अपन वर्ड जो है वहां पे टोटल रेवेन्यू कर देते हैं, ये जो आपका टोटल रेवेन्यू है ये कहीं पर भी 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन, सपोज करो कि बाकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर का हो गया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सारी कंडीशन हो रही है लेकिन आपका कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू 1 crore से ऊपर चला गया है तो भी आपको एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए दे हैव टू फुलफिल 4 conditions, चारों एक साथ पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे बढ़िया सा आप लोगों को मैं एग्जाम्पल, क्योंकि स्टडी मैट से पढ़ने का फायदा ये है बच्चों, ये देखो पूरा इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, किन किन को हमने एग्जम्प्ट कर दिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो उन कंडीशंस को पूरा करे। और बढ़िया सा एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब ये सेक्शन 8 कंपनी है तो बट ऑब्वियस है कारो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आशु प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है बच्चे लोगों बराबर, क्लियर बोल दिया प्राइवेट कंपनी, जिसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व मिलाकर के 50 lakh है। देखो पहली कंडीशन तो हमारी यहीं पूरी हो गई, यहां कहीं नहीं लिखा है कि किसी की सब्सिडरी या होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की बराबर, तो पहली कंडीशन पूरी, कैपिटल और रिजर्व 1 crore से कम होना चाहिए, हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में कंपनी ने बोरो किया है 70 lakh rupees ईच, यहां पे गड़बड़ होती है कहीं से, सबको लगता है सर बोरोइंग भी 70 lakh है सर 1 crore से कम है, बच्चे लोगों पूरा पढ़ो, कंपनी एड बोरोड 70 lakh ईच फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक से भी 70 लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी 70 लिया, 70 और 70, यानी 1.4 करोड़ हो गया, 1 crore 40 lakh हो गया, जबकि हमने कहा था बोरिंग्स जो है वो 1 crore से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक कंडीशन हमारी यहाँ पे टूट गई बच्चे लोगों, इनको कारों से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हालांकि एक और कंडीशन पढ़ लेते हैं, टर्नओवर उनका 900 लाख, 900 लाख का मतलब हो गया बच्चों 9 crore, टर्नओवर जो है वही टर्नओवर टोटल रेवेन्यू मैंने आपको कहा था वो 10 crore तक एग्जम्प्ट था,
ये देखिए लेस देन 10 करोड़ ही है, 9 करोड़ है, 10 करोड़ तक एग्जम था, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, लेकिन इनका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो है वो 70+70 1.40 करोड़ हो गया, इस वजह से इट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन रिलेटेड टू बोरोइंग्स। तो चारों में से एक भी कंडीशन हटी तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सीधा सीधा सा माइंड में सेट करो। तो कारो 2020 जो है वो शैल बी एप्लीकेबल टू आशु प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, खत्म बराबर। तो ये पहला टॉपिक आपका कारो के अंदर 2020 में जो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बच्चे लोगों इसको तैयार करके जरूर जाना है। अब इसके बाद इस पूरे सिस्टम का मतलब पूरे कारो का दो पैराग्राफ यहाँ पे काम करते हैं बच्चों, पैराग्राफ नंबर 3 और 4। सर ये क्या है, ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं आपको, बहुत सिंपल है कि एवरी मतलब एग्जाम टाइम पे याद करने का जरूरत है, अभी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। एवरी रिपोर्ट मेड बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी ऑडिटेड बाय हिम टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज, जिन पे एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 के बाद जब आप अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो यहां जो आगे 3 और 4 वाले पैराग्राफ दे रखे हैं वो भी एप्लीकेबल होंगे, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसमें करीब करीब 21 आइटम्स और है बच्चों जो अपने को इंक्लूड करने रहेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि ये कारोस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं लगती, सीएफएस आप लोग जानते हो है ना। अगर एक होल्डिंग कंपनी है उसकी 3 सब्सिडियरी कंपनियां हैं तो इंडिविजुअल सब्सिडियरी कंपनी पे तो कारो की रिक्वायरमेंट लगेगी बराबर, लेकिन सीएफएस पे कारो नहीं लगेगा एक्सेप्ट क्लॉज 21, क्योंकि ये जो क्लॉज 21 है ये आगे भी अपन पढ़ेंगे, ये सीएफएस के साथ भी लगता है। ऐसी होल्डिंग कंपनी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, बच्चों आप जानते हो जैसे एक कंपनी है होल्डिंग और उसकी 3 सब्सिडियरी है, तो होल्डिंग अपना एफएसयू बनाएगी, तीनों सब्सिडियरी अपना अपना एफएस बनाएंगी, तो सब अपने अपने में कारो, 4 कारो बन जाएंगे, मतलब 4 ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो 4ों में कारो आएगा। लेकिन एक जो सीएफएस बनता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कारो की रिक्वायरमेंट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअली आ गई है सिवाय क्लॉज नंबर 21 के। सर ये क्लॉज 21 कहां मिलेगा, बता रहा हूं बच्चे लोगों, पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर ही वो सारे के सारे आइटम है जो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने, यानी सेक्शन 143 में आपने जो आइटम्स पढ़े कंपनीज एक्ट वाले वो तो है ही है, उसके अलावा इन सारे मैटर्स पे भी ऑडिटर को अपना स्टेटमेंट देना है बराबर। अब आगे आप पढ़े उससे पहले एक बढ़िया चीज आपको यहां सिखा देता हूं, पहले उसको दिमाग में सेट कर लो। एक्चुअली में यहां हो क्या रहा है, यहां पे ऑडिटर देख रहा है मैनेजमेंट का कंप्लायंस और उस पर रिपोर्ट कर रहा है कि भाई मैनेजमेंट को ये काम करना चाहिए था, उन्होंने किया या नहीं किया उस पर रिपोर्टिंग यहां पे करनी है, बाकी सारा काम तो ऑडिटर कर चुका है, ऑडिट रिपोर्ट दे चुका है। लेकिन अभी कुछ ड्यूटीज मैनेजमेंट की थी, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने की ड्यूटीज थी, कुछ काम उनको करना था, वो हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उस पर रिपोर्टिंग यहां पे करनी पड़ेगी, ये आप लोग इधर ध्यान में रखने वाले हैं ठीक है। तो अपन सारे कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं, बढ़िया चीज, अगर इनमें से कोई भी कंटेंट किसी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है तो ये लिख करके छोड़ देगी कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस, आपको भी बता भी दूंगा मैं बराबर, बढ़िया से एग्जांपल देकर आपको बता भी दूंगा, तो देखिएगा क्या लिखा है। सबसे पहले नंबर पे बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो आप लोग देख रहे हो उसका कनेक्शन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, आप कैसे याद रखोगे इसको, फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को देनी है। नंबर वन, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब पहली चीज सबसे पहले पॉइंट पे ऑडिटर ये बताएगा कि क्या कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पीपीई बराबर इनके प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए या नहीं किए, भाई क्वांटिटी कितनी है, कहां कहां पे सिचुएटेड है, उन सबका डिटेल मेंटेन किया कि नहीं किया। Whether the company is maintaining proper record showing, तो यहां याद रखिए हमको डिटेल नहीं देनी है, हमको तो सिर्फ ये बताना है यहां पे कि भी हाँ यस कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पीपी, ये हमको लिख के देना है, और अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो ये लिख के देना है कि भाई नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन कंपनी की तरफ से होनी है उस पर हम यहां पे खाली अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं ठीक है। सेकेंड कि कंपनी ने इनटेंजिबल एसेट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि नहीं किए, तो वहां तो पीपी हो गया हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आप लोग जानते हो, मशीनरी वशीनरी सब आ गई, यहां पे हमारे इनटेंजिबल एसेट जो आ गए, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट वेटेंट हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के ए में अपने को देना है। अच्छा ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ए बी सी और डी और ई तक के पॉइंट है, ये चारों के चारों का कनेक्शन, पांचों का कनेक्शन जो रहेगा ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के साथ ही चल रहा है, और फर्स्ट का नाम हमने बेसिकली क्या दे दिया है पीपीई, हालांकि इंटेंजिबल भी इसमें है लेकिन मेन पॉइंट हमारा पीपीई से कनेक्टेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सेकंड पॉइंट,
whether these property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable interval. बच्चे लोगों, हमको जाकर के अभी वेरीफाई नहीं करना है, हम कर चुके हैं पहले ही, आप लोग पढ़ गए हो, सब कर चुके हैं. इधर सिर्फ ये देखना है कि मैनेजमेंट जो है वो रीजनेबल इंटरवल से 3 महीने से 6 महीने से जाकर के उनको वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है वेदर एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब डिफरेंसेस, क्या कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस उनको नोटिस में आता है क्या वेरिफिकेशन से, हमको नहीं मैनेजमेंट को, एंड इफ सो अगर आया है तो उसको बुक्स के अंदर प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया या नहीं किया. कई बार हमारी बुक्स में प्रॉपर्टी कुछ और दिख रही है, मान लो हमको हमने उसको सेल कर दिया और वहां कुछ प्रॉपर्टी और दिख रही है, बराबर से जब फिजिकल वेरिफिकेशन आपने किया और जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपरली कंपनी ने रिकॉर्डिंग किया नहीं की है ना. कई बार हो जाता है ऐसा कि भी कोई एसेट परचेस किया हमने लेकिन उसका बुक्स में एंट्री होने से रह गया, तो वहां फिजिकली हमको एसेट दिख रही है लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं दिख रही है, बराबर. तो ऐसा कहीं पे कुछ डिफरेंसेस था क्या, और है अगर तो उसकी बुक्स में मैनेजमेंट ने एंट्री किया या नहीं किया, ये हमको लिखना है. ठीक है सर, मान लो उन्होंने एंट्री नहीं किया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर खाली, लिख देंगे क्या? बच्चे लोगों, हमने बाकी ऑडिट भी तो किया है, तो ये नॉर्मल जब हमने ऑडिट किया रहेगा उसमें सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो सर वापस क्यों लिख रहे हो? लॉ ये चाहता है, इस वक्त में गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो 21 आइटम यहाँ पे दिए बच्चों, 21 आइटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना, और इनमें हो सकता है फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो, तो इसीलिए अलग से ऑडिटर को बोला कि यार आप बाकी ऑडिट रिपोर्ट तो दे ही रहे हो. ठीक है, होता है ना आप पूरे पेपर में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पूछते हो हमेशा कि सर इतना बड़ा सिलेबस है बताओ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, एग्जाम में हम उस पर ज्यादा फोकस करके जाएंगे, तो आप ये समझ लो कि 21 पॉइंट जो है वो ज्यादा फोकस वाले पॉइंट है जिसपे गवर्नमेंट चाहती है कि ऑडिटर अलग से अपनी एक रिपोर्टिंग दे, इस वजह से ये सारा बन रहा है. ठीक है, तो पहला पॉइंट की भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन है कि नहीं है, सेकेंड नंबर फिजिकली कंपनी वेरीफाई करती है कि नहीं करती है, बराबर, और अगर वेरीफाई करने में डिस्क्रिपेंसीज है मतलब डिफरेंसेस अगर कहीं पे दिख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली बुक्स के अंदर डिस्क्लोज किया या नहीं किया. तीसरा नंबर बच्चे लोगों, टाइटल डीड, बढ़िया पॉइंट ये भी इसी का, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जो ऊपर अपन ने देखा कि प्रॉपर्टीज है, प्लांट्स है, तो अदर देन प्रॉपर्टी जो लीज पर ले रखी है, बट ऑब्वियस है कि लीज वाली प्रॉपर्टी अगर कंपनी ने ले रखी है तो उसमें कंपनी का नाम तो होगा नहीं ना, बराबर, कंपनी के नाम पे थोड़ी होगी, वो तो हमने लीज पे लिया है. तो ऐसी एसेट इमूवेबल वाली लैंड, बिल्डिंग वगैरह जो कंपनी के नाम पर है, टाइटल का मतलब ओनरशिप कंपनी के नाम पे है, उनको आपने बैलेंस शीट में प्रॉपर डिस्क्लोज किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आपको यहां इस फॉर्मेट में डिटेल देना पड़ेगा, बराबर, वहां किया कि नहीं किया वो तो वहां देखेंगे. यहां क्या क्या डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, के भी लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसकी ग्रॉस वैल्यू कितना है, कितने में आपने खरीदा था, किसके नाम पर है, वेदर प्रमोटेड डायरेक्टर उनके रिलेटिव या एम्प्लॉय के नाम पे तो नहीं है या कंपनी के नाम पे लिया है, पीरियड हेल्ड इंडिकेटेड, कितना टाइम हो गया आपने जिसको परचेस किए हुए, और वेयर अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर नॉट बीइंग हेल्ड नेम ऑफ द कंपनी. और अगर ऐसा है, अगर कंपनी के नाम से आपने एसेट परचेस की हुई है तो डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है यहाँ पे, ऑल्सो इंडिकेट द डिस्प्यूट, बाय चांस कोर्ट में कोई केस वेस चल रहा है इसलिए हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे देना चाहिए. ये इस पॉइंट का मतलब है बच्चे लोगों, जो इनको ध्यान में रखना चाहिए, बराबर. तो ओनरशिप है कि नहीं कंपनी के नाम के ऊपर ये देख लो, अदर देन लीज पे जो एसेट ले रखी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्क्लोज किया कि नहीं किया? नहीं किया तो फिर ये सारा डिटेल इस फॉर्मेट में कारो में ऑडिटर लगाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नंबर नेक्स्ट इसी में, Whether the company has revalued its property, क्या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी का रिवोल्यूशन किया क्या, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, बराबर, राइट टू यूज ऑफ एसेट जो हमारा होता है उसका भी, और इनटेंजिबल एसेट का, इनमें से किसी का भी क्या रिवोल्यूशन किया है क्या, या बोथ? इफ सो, अगर हाँ, तो whether the revolution is based on the valuation by register value, तो ऑडिटर ये काम करवा नहीं रहा, वो तो चेक कर रहा है कि भाई आपने रिवोल्यूशन किया कि नहीं किया. हाँ सर किया, किया तो करने वाला रजिस्टर वैल्यू था कि नहीं था? ठीक है, अच्छा कितना अमाउंट चेंज हुआ है, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज. अगर 10% से या उससे ज्यादा में अपने को चेंज दिख रहा है, 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, बच्चों पूरा एक एक एसेट का नहीं देखना है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, जैसे वो तुम लोग ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन निकालते हो ना टैक्स के अंदर, बिल्कुल वैसा, उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के अंदर क्या 10% से वैल्यू अप गई है क्या, 10% और मोर का चेंज, अच्छा अप नहीं बोला है, इन्होंने बोला स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, वेदर कम हुआ वेदर ज्यादा हुआ, तो रिवोल्यूशन करने से क्या 10%, भाई पहले 10,000 की थी अभी मान लो 9,000 8,000 की हो गई, 12,000 14,000 की होगी, तो 10% से ज्यादा के चेंजेस दिख रहे हैं, तो ऐसे अगर चेंजेस हैं तो वो यहां पे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इस कारो रिपोर्ट के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है. तो ऑडिटर तो देखेगा क्या रिवोल्यूशन किया, क्या किया तो रजिस्टर्ड वैल्यू से कराया कि नहीं कराया, और अगर 10% या उससे ऊपर का कोई चेंज है तो यहां पे डिस्क्लोज होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए.
उसके अलावा जो पीपी का आखिरी पॉइंट, क्या कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है क्या, वेदर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, केस चल रहा है या पेंडिंग है, मतलब केस हुआ, हैव बीन इनिशिएटेड, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस हुआ था या पेंडिंग है अभी तक, होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, बच्चे लोगों सर बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पैसा कंपनी का लगा होता है लेकिन नाम कंपनी का नहीं दिख रहा, ऊपर अपने पढ़ा भी तो था, तो अपने आप एक बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है। लोग क्या करते हैं, अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए, आपने भी सुना ही होगा कि भाई अपने वाइफ के नाम से एसेट ले लिया, अपने बेटों के नाम से एसेट ले लिया, बेटियों के नाम से एसेट ले लिया, तो कई बार होता है कि भाई पैसा आपका लगा है लेकिन नाम आपका नहीं है, नाम किसी और के नाम से ले लिया, दिस इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। तो बेनामी ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है, इसमें से भी कई सारी चीजें प्रोहिबिटेड होती है हमारे यहाँ, तो क्या कंपनी के अगेंस्ट में बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चला है क्या या चल रहा है क्या इस एक्ट के अंदर और उसके रूल्स के अंदर, और अगर हाँ तो कंपनी ने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, ये अपने को देखना पड़ेगा। कई बार ऊपर पड़ा भी था कंपनी अपने प्रमोटर एम्प्लॉय वगैरह के नाम से एसेट एक्वायर कर रही है, तो कंपनी ने ऐसा कुछ अगर किया है, अगर नहीं किया है तो लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंपनी, हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर ऐसा किया है तो कंपनी ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, ये भी हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कारो रिपोर्ट के अंदर, ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये खाली फर्स्ट पॉइंट हुआ है बच्चे लोगों, ठीक है ना। अच्छा, यानी अगर अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्टली बनाएंगे आपसे, सीधा पूछेंगे कि भाई व्हाट अबाउट द कारो रिक्वायरमेंट रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पूरा पूछ रही है आपसे, तो उसमें सारे पॉइंट जितने आपने देखे अभी मेरे साथ में वो सब आपको बताने पड़ेंगे कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि नहीं किए हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट के। सेकंड नंबर के ऊपर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि नहीं करता है, डिफरेंसेस है तो डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, टाइटल डीड किसके नाम से है और नहीं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। रिवॉल्यूशन कराया कि नहीं कराया, अगर कराया तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया, 10% और मोर का अगर चेंज है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको बराबर। और उसके अलावा कहीं बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट में कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है या पेंडिंग हो या पहले चल चुकी हो, वो भी अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, बढ़िया चीज बताऊं, जैसे इन्फोसिस है या टीसीएस है, जब टीसीएस अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें जब कारो रिपोर्ट देगा बच्चों, तो उस कारो रिपोर्ट के अंदर ये चीज गायब रहेगी उधर से, वो सेकंड पॉइंट लिखेंगे जरूर, लेकिन लिख देंगे कि आर कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री मेंटेनिंग या मेंटेन, जरूरत ही नहीं है, सो दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस, इसलिए हमारे ऊपर ये क्लॉज लग ही नहीं रहा है। तो जो क्लॉज आपके ऊपर नहीं लगे भाई, उसके बारे में डिटेल देना ही नहीं, लिख करके, ऐसा नहीं कि जगह छोड़ देनी है, लिख करके छोड़ देना दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस, ये आप लोग ध्यान रखोगे। सर इन्वेंट्री में क्या देना है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट। बच्चों हमने जो 501 में पढ़ा वो तो हो गया, उसके साथ ही ये रिपोर्ट भी अपने आप तैयार हो जाएगी। 501 में हम उस प्लेस पर चले गए, वहां पे भी इन्वेंट्री लेना हमारा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है, हम तो खाली प्रोसीजर देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि उस वक्त तो किए ही था साल के एंड में, लेकिन पूरे साल में टाइमली इंटरवल से 3 महीना से 6 महीना से ये मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि नहीं करता है, और ऑडिटर की ओपिनियन के अंदर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन वो लोग करके आते हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये उसको वहां बताना पड़ेगा। पर यहां पे भी अगर कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसीज है 10% और मोर की इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस्ड, समझ रहे हैं, जो बुक्स में लिखी हुई है और जो फिजिकली मैनेजमेंट ने वहां जाके देखा, हमने नहीं मैनेजमेंट ने देखा, और 10% या उससे ज्यादा का डिफरेंस हमको दिख रहा है, वहां ज्यादा पड़ी है बुक्स में कम है या वहां कम पड़ी है बुक्स में ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसी कुछ नोटिस हुई है तो उसको प्रॉपरली बुक्स में लिखा कि नहीं लिखा आपने बराबर। भाई मैनेजमेंट अगर प्रॉपर इंटरवल से चेक करेगा तो मैनेजमेंट को पता लग जाएगा बहुत अच्छी तरह से कि यार बुक्स में ज्यादा लिख दिया जबकि इतनी इन्वेंट्री है नहीं, तो आपको वापस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो बुक्स में हम ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी ऐसे एडजस्टमेंट हुए हैं, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो आप डिस्क्लोज करो बुक्स में, उसका प्रॉपर एंट्री करो, है ना। तो यहां ऑडिटर याद रखिएगा, यहां काम जो है वो बेसिकली कंपनी कर रही है और ऑडिटर इस रिपोर्ट के अंदर उसको सिर्फ वॉच कर रहा है और वॉच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे रहा है कि ये किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया, बाकी ऑडिट के अंदर उसने खुद ने करवाया भी बराबर और बताया भी ये गड़बड़ है, उसके बेस पर रिपोर्ट बनाई, और यहां बस ये बता रहा है कि मैनेजमेंट ने अपना काम प्रॉपर किया कि नहीं किया। तो इन्वेंट्री टेकिंग के अंदर एक पॉइंट और है, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ 5 crore इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट।
कंपनी ने अपना करंट एसेट जो है वो मॉर्गेज पे रखा और बदले में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा, एक्सेस ऑफ 5 करोड़ लिखा है बच्चों, 5 करोड़ ही उससे ज्यादा नहीं है, इस बार एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है, अगर इतना लोन प्रोवाइड किया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो ऑडिटर को क्या चेक करना है, क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट कंपनी जो है वो बैंक को फाइल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करती है कि नहीं करती है, बराबर, और जो फाइल करती है वो हमारी बुक से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो फिर उसके बारे में डिटेल यहां पे ऑडिटर को देना पड़ेगा। समझे आप बात को, भाई किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल फंड प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि जब ऐसा देते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है। आप देखोगे भी तो सारी कंपनीज मैक्सिमम अपना क्वार्टरली रिटर्न बनाती भी है, और जिन्होंने लोन लेके रखा है वो फाइल भी करती है, वो फाइल दिया तो वो जो क्वार्टरली रिटर्न भेजा है और जो बुक्स अकाउंट्स मेंटेन हुई है वो आपस में एग्री कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, और अगर नहीं तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका रहेगा स्टॉक या ज्यादा फेमस बच्चों ये इन्वेंटरी के नाम से है पॉइंट, ये आप लोग याद करोगे, ठीक है। एग्जाम में अगेन वही डायरेक्ट क्वेश्चन की भी इन्वेंटरी का क्या प्रोविजन है, कारों का रिक्वायरमेंट क्या है वो आप समझाओ, तो यू हैव टू गिव दीज टू पॉइंट्स ही आप लोगों को ध्यान में रखने, लैंग्वेज वी कैन मॉडिफाई अपन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों इन्वेस्टमेंट्स गारंटी एंड सिक्योरिटी, ये आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के कुछ स्पेसिफिक सेक्शन इसके ऊपर लगते हैं, वो भी बात कर रहे हैं, काफी बड़ा पॉइंट है, शुरू के कुछ पॉइंट आपको काफी बड़े दिखेंगे, फिर आगे जाके पॉइंट छोटे हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। अब इस तीसरे में भी आपको 6 पॉइंट देकर रखे बच्चे लोगों, देखो वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट, इस साल में अगर कंपनी ने किधर इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोवाइडेड एनी गारंटी सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर में कंपनी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी ने कोई लोन लिया रहेगा उसके लिए कंपनी ने गारंटी या सिक्योरिटी दिया है, और ग्रांटेड और लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, बाई चांस सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन आपने दिए किसको, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी LLP को, ठीक है, या कोई और अदर पार्टी को दिया है तो वो क्या ऑडिटर क्या देखेगा, नंबर वन वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन और प्रोवाइडेड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन और स्टूड गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी, बराबर से समझिएगा। तो सर ये तो चीज वापस लिखे जा रहे हैं, वो इसीलिए इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत चीजों को रिपीटेड कर दिया गया है यहाँ पे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसको बहुत सिंपलीफाई तरीके से भी अपन करते हैं, सिर्फ अगर पढ़ रहे हैं। नॉट एप्लीकेबल, अच्छा ये प्रोविजन उन कंपनीज के लिए नहीं है जिनका काम ही लोन देना है, जैसे बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका काम ही लोन देने का है भाई, तो उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, उनका रोज का काम है ना, जनरल नेचर है उनका। तो यहां क्या देना है, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, समझो क्या इंडिकेट करना पड़ेगा, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, टोटल पूरे साल में कितना दिया, ठीक है, और हो सकता है वापस से कुछ चुक भी गया हो, लोगों ने चुका भी दिया हो, तो अभी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना पड़ा हुआ है लोन और एडवांसेस या गारंटी सिक्योरिटी का, जो इन्होंने किसको दिया रहेगा, सब्सिडरीज को, ज्वाइंट वेंचर को, एसोसिएट्स को, सेकेंड वाले में बोला है अदर देन भी। तो बच्चों इसको पॉइंट को थोड़ा सा इजी करेंगे, थर्ड पॉइंट में क्या देखोगे, इफ कंपनी मेड एनी इन्वेस्टमेंट और गिव गारंटी और सिक्योरिटी, ठीक है, और प्रोवाइड एनी एडवांसेस वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड है, तो कारो रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर क्या लिखने वाला है, ऑडिटर क्या, तो ऑडिटर हैव टू इंडिकेट, अच्छा लोन किसको दिया रहेगा, कंपनी, फर्म, LLP, किसी को भी दिया, अदर पार्टीज को भी दिया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहली चीज क्या देनी है आपको, ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट कितना है, टोटल कितना दिया और आउटस्टैंडिंग कितना है। पहले वाले में बोला है द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ये लोन किसको दिया रहेगा, कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरीज को, अपने ज्वाइंट वेंचर को या एसोसिएट कंपनीज को, सब आप पढ़ गए हो 20% से 50% के बीच होना चाहिए तो एसोसिएट कंपनी बनेगी, बाय चांस अदर देन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर अदर किसी कंपनी को या अदर किसी फर्म को या LLP को आपने दिया, तो वही एग्रीगेट कितना दिया और बैलेंस कितना बचा हुआ है वो आपको यहां पे अमाउंट शो करना पड़ेगा, कारो के अंदर ऑडिटर करेगा। सेकेंड नंबर, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, बार बार वो लाइन आएगी, वेदर इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गिवन, बच्चे लोगों वो अपना वोकैबुलरी कीवर्ड्स, इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा वर्ड क्या आता है, मेड,
गारंटी हमेशा होती है प्रोवाइड, सिक्योरिटी होती है गिवेन। तो जो भी ऐसा कुछ किया तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रही होंगी, जिन कंडीशंस पे भी आपने लोन दिया, दे आर नॉट प्रीजुडाइज्ड टू द कंपनीज इंटरेस्ट, वो कंडीशंस ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, कि और बैंक रेट तो कम चल रहे हैं और आप बहुत ज्यादा रेट से इंटरेस्ट का कुछ ओके कर रहे हो, मतलब सॉरी इसमें उल्टा है ना, आपने लोन दिया है बराबर से लोन दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक रेट से जो इंटरेस्ट है उससे कम रेट पे हमने इंटरेस्ट पास किया और अपने को नुकसान हो रहा है और कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया। ये अपने को यहाँ पे शो करना पड़ेगा तीसरे नंबर के ऊपर, इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन और एडवांसेस, बार बार वही लाइन आएगी। तो शेड्यूल क्या है रीपेमेंट का, पैसा वापस कब आएगा भाई, इंटरेस्ट का पेमेंट कब होगा और वो रेगुलर बेस पे है कि नहीं है, पैसा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपने को देखना है। बाई चांस पैसा बराबर नहीं आ रहा है, अमाउंट ओवरड्यू हो गया है और 90 डेज से ज्यादा का ओवरड्यू हो गया, भाई ड्यू होने के बाद भी 90 दिन तक वो पैसा आपको नहीं मिला है, तो कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप उठाए हैं फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इस पे भी कारों में ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग करेगा। देखो तीसरा पॉइंट, लोन एंड एडवांसेस, तो वेदर एनी लोन और एडवांसेस, तो इसमें कैसे आ जाओ, एनी इन्वेस्टमेंट मेड और गारंटी प्रोवाइडेड और सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी टू अनदर कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप, तो इसमें दो चीजें क्या क्या देनी है बच्चों, या तो उन्होंने अपनी ही सब्सिडरीज को, अपने ही एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर को दिया रहेगा, तो एग्रीगेट कितना दिया और साल के एंड में भी कितना बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग, बाकी आ गया होगा, अपनी सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर के अलावा और किन किन को दिया एग्रीगेट भी और बैलेंस शीट डेट पे भी, वो डिटेल भी यहां पे लिखनी है, खत्म, ए पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। सेकेंड नंबर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, इस पर अपनी रिपोर्टिंग। तीसरे नंबर के ऊपर लोन और एडवांसेस का पेमेंट, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है और प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट का शेड्यूल किया है, कब वापस पे करोगे भाई, कहीं ड्यू तो नहीं, इंटरेस्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 90 दिन से ऊपर का अगर ओवरड्यू हो जाए तो कंपनी ने एक्शन क्या लिया रिकवरी के लिए, एसेट को बेचा के कोर्ट में गए कि क्या किया, वो भी बताना पड़ेगा। फिर अगले दो पॉइंट और है बच्चों इसके अंदर, वेदर एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग, बच्चों समझना बहुत बढ़िया चीज है, आजकल आप लोग जानते लोन सेटलमेंट भी होता है, कई बार जैसे गवर्नमेंट करती है कि भाई फार्मर्स वगैरह को लोन दिया तो उस लोन के बदले में लोन रीस्ट्रक्चरिंग कर देती है कि भाई आपके लोन की कंडीशंस को हम चेंज कर देते हैं, या इस लोन को, कई बार क्या होता है कि जैसे हमने लोन दिया, आपको सामने वाला कहता है सर आपने लोन दिया वो मैंने यूज कर लिया, जैसे मैंने खेतों में यूज कर लिया, अब आपका लोन चुकाना है लेकिन मुझे फसल काट के बेचने के लिए कुछ और लोन चाहिए, वो अगर आप दो तो मैं ये काम करके आपको पूरा लोन चुका दूं, आपका पुराना वाला भी और अभी वाला भी, तो कई बार अपन और लोन भी दे देते हैं। तो whether any loan or advances in the nature of loan granted which has fallen due during the year, इस साल में वो ड्यू हो रहा है, has been renewed हो रहा है, अब वो जिसको लोन दिया वो उसको रिन्यू करवा रहे हैं, भाई ये दो साल के लिए दिया था सर दो साल और दे दो, ठीक है, या फ्रेश लोन ग्रांट कर रहे हैं टू सेटल द ओवर ड्यूज, मैंने अभी आपको कहा ना नया लोन दे रहे हैं इसको सेटल करने के लिए, अब एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी, अगर ऐसा कुछ किया है तो फिर से वही बच्चे लोगों, एग्रीगेट अमाउंट कितना है रिन्यू का या सेटल ऑफ फ्रेश लोन का बराबर, एंड द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द टोटल लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, फ्रेश लोन जो है वो टोटल लोन का कितना परसेंटेज है जो आपने वापस से रिन्यू वगैरह किया वो भी देना पड़ेगा, जिनका प्रिंसिपल काम ही लोन देने का उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको पहले से ही पता है। तो बच्चे लोगों अगर उस पूरे साल में जो लोन का अमाउंट ड्यू हो रहा है अगर उसका किसी तरह का उन्होंने आप कह सकते हो रिफ्रेश कर दिया, उसको वापस से फ्रेश लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है बराबर रिन्यू कर दिया, या फ्रेश लोन कुछ और दे रहे हो एग्जिस्टिंग लोन के अगेंस्ट में, तो वो कितना अमाउंट है वो भी यहाँ पे अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चे लोगों इसी का, whether the company has granted any loan or advances in the nature of loan either repayable and demand, मतलब जब भी हम मांगे तब पे कर दोगे, या और कोई terms and condition हो, specify any terms or period of repayment, अगर कुछ ऐसा हुआ है, if so, whether the company, पूरा सुनना, whether the company has granted loan or advances in the nature of loan either repayable on demand, या कोई terms condition हमने नहीं बनाए, specify any terms or period, without specifying any terms or period, कि भाई ठीक है कोई पीरियड डिसाइड नहीं होता है ना, जब एक साल दो साल, इसका मतलब ही ये होता है कि डिमांड के ऊपर है, जब मांगेंगे पे कर देंगे, इफ सो तो यहां पे भी एग्रीगेट अमाउंट कितना है और ये जितना है वो टोटल लोन का कितना परसेंट है, जैसे टोटल लोन 100 करोड़ का है और उसमें 100 करोड़ में से 10 करोड़ ये ऐसे वाले भी है, तो आपको लिखना पड़ेगा अभी 10% है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू। और इसके अलावा बच्चों अगर आपने प्रमोटर्स को रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कहां मिलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 277 में रिलेटिव का डेफिनेशन है ना, रिलेटिव
और 276 के अंदर रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दे रखा है आपको, जिसमें कंपनी का ये डायरेक्टर वगैरह हो गए, केएमपीज हो गए, या कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी और कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर है तो, या शेयर होल्डर है, वो सभी रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन में आती है। तो उनको अगर कोई भी तरह का लोन एडवांसेस वगैरह प्रोवाइड किया है तो वो भी यहाँ पे ऑडिटर बताएगा कि हाँ भाई प्रोवाइड किया है। इफ सो तो एग्रीगेट अमाउंट शो करो, कितना टोटल लोन का ये परसेंटेज है वो शो करो, पर ये भी शो करो कि रिलेटेड पार्टीज को कितना तुमने लोन प्रोवाइड किया है। क्योंकि बच्चों फ्रॉड के चांसेस यहाँ सबसे ज्यादा है कि आपने प्रमोटर्स को कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाके कम रेट पर बाहर देते तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, प्रमोटर को कम इंटरेस्ट के ऊपर दे दिया, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, बराबर बात समझ में आया आपको मेरा, अच्छी तरह से घुस गया दिमाग के अंदर। देखो पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स हमारे, जैसे पहला पीपी वाला हमारा पॉइंट था, ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा इन्वेंटरी वाला पॉइंट हो गया, काफी बड़ा पॉइंट हो गया, तीसरे नंबर पे हमारा लोन एंड एडवांसेस वाला पॉइंट हो गया, ये भी काफी बड़ा पॉइंट हो गया, आगे छोटे पॉइंट्स भी आएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी इजी पॉइंट्स भी है, लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पे बनेंगे ना, चार पांच नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो छोटे पे तो बनना नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर बच्चे लोगों हुआ क्या है कि सर इसमें हमने सिंपली इसका नाम क्या दोगे आप लोग, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें ऑडिटर को यह देखना है कि कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट मेड किया, गारंटी प्रोवाइड किया, सिक्योरिटी गिवन किया किसी को भी। ठीक है, दो पार्ट हो सकते हैं इसमें, जो कंपनी के ही एसोसिएट सब्सिडरी या ज्वाइंट वेंचर है या अदर है, तो एग्रीगेट अमाउंट कितना है, साल भर में कितना टोटल दिया, उसमें से कितना वापस रिसीव हो गया, कितना अभी तक आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, वो सबका डिटेल जो है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, एक काम खत्म हुआ। सेकेंड वाले पार्ट में क्या किया बच्चे लोगों, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगी वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा अपन ने, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस रहेंगे इन द नेचर ऑफ लोन वगैरह, तो उनका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, शेड्यूल रीपेमेंट कब होगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब होगा, अगर ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, 90 डेज से ऊपर का ड्यू हो गया तो कंपनी ने एक्शन, ऑडिटर को कुछ नहीं करना है, वो देखेगा कि मैनेजमेंट ने कंपनी ने उसके लिए क्या एक्शन लिया रिकवरी के लिए, वो दिखाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फिर अगर एग्जिस्टिंग लोन के बदले में कोई फ्रेश लोन इशू कर दिया उन्होंने या एक्सटेंड अगर कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो उसका डिटेल भी अपने को ऑडिटर बताएगा कि हाँ भी ऐसा अगर हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको किस तरह से डील किया कंपनी ने, वो भी अपने को यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट के अंदर अपने क्या पढ़ा कि वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड, अगर कोई डिमांड के ऊपर या बिना कोई टर्म्स कंडीशन डिसाइड किए कि रीपे कब होगा, अगर कंपनी ने लोन दिया ग्रांट कर दिया तो कितना अमाउंट है, टोटल लोन का ये कितना परसेंटेज है, वो भी दिखाना पड़ेगा, और रिलेटेड पार्टीज को अगर कोई भी लोन वगैरह दिया, एडवांसेस वगैरह दिया, तो उसका अमाउंट कितना है, वो भी कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, नहीं तो ऑडिटर यहाँ पे देगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर, तो इफ सो स्पेसिफाई, अगर दिया है तो फिर स्पेसिफाई करो आप उस एग्रीगेट अमाउंट को, यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ये भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट आती है। सिंपल है बच्चे लोगों, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा मेरे साथ में, बहुत सिंपल बात लिखी हुई है, इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी इन सिक्योरिटी, ऊपर वाला पॉइंट, तो 185-186 सर ये क्या है बच्चे लोगों, सीए फाइनल में पढ़ोगे, 185-186 के जो हमारे प्रोविजंस हैं वो यही कहते हैं कि डायरेक्टर्स को लोन अगर देना हो तो 185 काम करता है, उसके अलावा कंपनी जो भी लोन और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है वो सबके सब 186 में दे रखे हैं। तो आपने इन सेक्शंस को फॉलो किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो फिर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा कि क्या क्या आपने फॉलो यहाँ पे नहीं किया है। तो कोई भी कंपनी अगर अपने डायरेक्टर्स को लोन वगैरह देती है या और भी किसी को लोन्स एंड एडवांसेस देती है बच्चों, जो ऊपर वाले पॉइंट पे भी आपने पढ़ा, तो कंपनीज एक्ट के दो सेक्शंस काम करते हैं, 185-186, तो वो फॉलो हुए कि नहीं हुए ये चीज यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों लोगों, बहुत सिंपल है, पूरा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, सिंपल है। अगर कंपनी ने कोई भी, तुम कंपनी लॉ में पढ़ गया है, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, तो सिंपली सेक्शन नंबर 73-76 डिपॉजिट वाला चैप्टर कंपनी लॉ फर्स्ट ग्रुप, वो फॉलो किया कि नहीं किया, देखो पूरा पढ़ता हूं। इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी और अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, वेदर द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय आरबीआई और कंपनीज एक्ट के सेक्शंस जो हैं, और भी जो रूल्स वगैरह बने, वो रूल पढ़ा था 2 इतना बड़ा, वो फॉलो किया कि नहीं किया। सिंपल, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो आरबीआई का जो डायरेक्टिव्स है, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 73-76 है, और भी जो रूल्स है उनको फॉलो किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन क्या है आपका। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्या कोई एनसीएलटी तो पढ़ा हुआ ना तुम सबने, कंपनी लॉ बोर्ड या एनसीएलटी चलेगा, या कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, या आरबीआई ने, या किसी कोर्ट ने, या किसी और ट्रिब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है,
तो वो कंप्लाई किया कि नहीं किया वो भी अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा। डिपॉजिट से रिलेटेड मैटर वैसे ही बहुत खतरनाक होता है, तो अगर एनसीएलटी ने, किसी कोर्ट ने, किसी और ट्रिब्यूनल ने, आरबीआई ने अगर उससे रिलेटेड हमको कोई डायरेक्शन दिया था, कोई ऑर्डर दिया था, और वो हमने अगर कंप्लाई नहीं किया है उनके ऑर्डर को, तो भी ऑडिटर चेक करेगा कि भाई ऑर्डर आया हुआ पड़ा, देखो उसका कॉपी हमको दिख रहा है, तो बताओ आपने डिपॉजिट से रिलेटेड ये ऑर्डर फॉलो किया कि नहीं किया। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, तो लिख देगा कि यस कंपनी ने उसको कंप्लाई किया, नहीं तो फिर अपने को लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई कंपनी ने इसको कंप्लाई नहीं किया है, ये अपन इसके अंदर लिख देंगे। अच्छा, अब जैसे मैं आपको इन्फोसिस और टीसीएस के एग्जांपल दे रहा था, ऐसी कंपनियां जो इस तरह की कंपनीज है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं किए हुए, उनके कंपनी में डिपॉजिट है ही नहीं, तो वो लिख देंगे दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आर कंपनी बिकॉज कंपनी हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट इन प्रीवियस ईयर, जिसका भी ऑडिट है उसमें हमने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट की नहीं है, हमारे ऊपर नहीं लगेगा, ये लाइन लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिपॉजिट से रिलेटेड सारे रूल्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर फॉलो किए कि नहीं किए, ये सब अपने को इसके अंदर देना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट बात है बच्चे लोगों, ये भी पॉइंट तुम लोग को पता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 148(1) के अंदर डायरेक्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से प्रॉपरली मेंटेन किया नहीं किए, शॉर्ट पॉइंट है तो सिंपल बता देता हूं। कंपनी ऑडिट में अपना आखिरी सेक्शन ही हो रहा है 148, तो इसमें सिंपल ही बताना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड से बनाए तो 148 सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव है उसके हिसाब से फॉलो किया कि नहीं किया आपने, अपने को बताना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 भी बहुत जबरदस्त है, मैं ट्राई करूंगा आपको कि कारो यहाँ पे एक आध दिखा भी दूं, कारो का प्रोविजन आपको दिखा भी दूं या रियल दिखा दूं कि कारो का प्रोविजन कैसा बना हुआ है। कारो whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including goods and service tax, bacho sunna, company whether the company is regular, company bilkul proper tarike se jama karwa rahi hai undisputed, par company aur government ke beech mein koi dispute nahi hai, wo wala jo bhi goods and services GST ho gaya, provident fund ho gaya employees wagera ke liye, ya insurance ho gaye employees ke liye, income tax, sales tax, service tax, custom duty और भी कोई वैल्यू एडेड टैक्स सेज हो गया, ये सारी चीजें जो है और भी स्टेचुरी ड्यूज है वो उन्होंने पे किया कि नहीं किया टाइमली, अनडिस्प्यूटेड वाला है। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड का मतलब बच्चों कई बार हमारे और गवर्नमेंट के बीच में अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो तो जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा तब तक थोड़ी पे करेंगे, तो ये वो है जो आप कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, और अगर आपने ऐसा पे नहीं किया है तो कितना आउटस्टैंडिंग ड्यूज अभी तक पड़ा हुआ है लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न For a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. Okay, सारा जो ड्यू है वो नहीं, फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, जैसे 31 मार्च 22 को एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ इसकी आप ऑडिट कर रहे हो, तो इस दिन ऐसे ड्यूज जिनको ड्यू हुए 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया बच्चों, हाँ सोचो कि जनवरी 22 के अंदर कुछ ड्यू हुए थे जिनका पेमेंट हमने मार्च तक नहीं किया है, तो उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, अभी 6 महीना नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इस 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में कुछ मई जून के अंदर हमारे कुछ ड्यूज हो गए थे, हमको जीएसटी भरना था, सेल्स टैक्स भरना था, या पीएफ का पैसा देना था, या कस्टम ड्यूटी देनी थी, और वो हमने अब तक नहीं दिए, ड्यू तो हो गया था मान लीजिए मई के अंदर ही, मई 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आएगा ना, मई 21 में ड्यू हो गया, लेकिन हमने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वापस जनवरी फरवरी मार्च 10 महीना होने आगे और हमने अब तक पे नहीं किया है, वो यहाँ पे अपने को ऑडिटर इंडिकेट करेगा कि ये अमाउंट है जो आपने पे नहीं किया, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, वेदर स्टेचुटरी ड्यूज ऊपर वाले ए में जो लिखा हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड, हमने क्यों नहीं डिपॉजिट किया, क्योंकि हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है भाई, हमारा ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है उस अमाउंट को लेकर के, तो हम कैसे जमा कराएं, तो कितना अमाउंट का केस चल रहा है आपका, फोरम का मतलब बच्चे लोगों ट्रिब्यूनल वगैरह जो भी ऑथोरिटी कोर्ट वगैरह उसको फोरम बोलते हैं। ठीक है, जहां पे आपका डिस्प्यूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको मेंशन यहां पे करना पड़ेगा, ध्यान रखोगे तो वो भी आप मेंशन करोगे, पॉइंट नंबर समझना बहुत अच्छी तरह से, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किधर किधर कोई अगर ऑथोरिटी के बाद आपका केस चल रहा है तो वो कौन सी ऑथोरिटी है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पे केस चल रहा है तो लिखना पड़ेगा आईटी ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके अलावा आपने को साथ में और क्या देना पड़ेगा, कितना अमाउंट है जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, याद रखिएगा बहुत अच्छी लाइन है, टेक्स्ट पढ़ने वाले जानेंगे, मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। कई बार जैसे हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, सब कुछ हो गया, जीएसटी का कुछ भी भर दिया होगा, अब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो कुछ चीजों के बारे में हमसे क्लेरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई ये आपका ये सैलरी वाला अमाउंट का डिटेल हमको भेजो, तो वो जो उन्होंने मांगा इसको डिस्प्यूट में काउंट नहीं करेगी, जैसे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन मांगा आपने कह दिया और हमारे बीच में तो डिस्प्यूट हो गया हमने तो जमा ही नहीं कराया, वो डिस्प्यूट की कैटेगरी में नहीं आता है बच्चे लोगों, बराबर ध्यान रखिएगा, वो अगर नहीं भर रहे तो फिर हमारी गलती है, हम चीटिंग कर रहे हैं, पेनल्टी लगेगी हमारे ऊपर क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड है,
खाली रिप्रेजेंटेशन मांगने का मतलब ये नहीं है कि मैटर डिस्प्यूटेड हो गया, कि आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी ये डिस्प्यूटेड वाला मैटर रहेगा ये अपने को इधर डिस्क्लोज करना है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर, बराबर, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। एक और पॉइंट आपको बताता हूं बच्चे लोगों, फिर आपको मैं ट्राई करता हूं कि एक बार दिखाई दूं मैं यहां पे, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर और डिस्क्लोज एज इनकम। हमने कोई ऐसा इनकम का आइटम था जो बुक्स में तो नहीं लिखा, लेकिन इनकम टैक्स में वहां डिस्क्लोज कर दिया हमने, सरेंडर और डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट। जब टैक्स असेसमेंट हो रहा था वहां डिस्क्लोज हो गया, और हमारे यहाँ नहीं हुआ अब तक। अगर ऐसा कुछ है तो जो अनरिकॉर्डेड इनकम है उसको अभी हमने बुक्स के अंदर लिया कि नहीं लिया, नहीं तो आगे जाके और गड़बड़ हो जाएगी, वो भी चेक करेगा ऑडिटर, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बात समझ में आया आपको यहां तक का बच्चे लोगों? तो देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक होता है ये, तो मैं ट्राई करता हूं आपको कि अपन एक काम करते हैं, अपन सीधा चल के देख ही लेते हैं कि क्या किसी कंपनी का अपने को ऑडिट रिपोर्ट मिलता है। पुराना भी मिल जाएगा, कार्य 2016 वाला भी, तो भी अपना काम हो जाएगा। तो अपन चेक करते हैं एक बार, आइए देखते हैं। पुराना मिलेगा मेरे ख्याल से। खैर अगर पुराना भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को एक बार आइडिया लग जाएगा मेरे हिसाब से कि कैसे कारो बनता है। पुराना कारो 2016 भी मिल गया तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं इसको। अरे बाप रे, तो पूरा इनका एनुअल रिपोर्ट आ गया यहाँ पे, ये इनका ऑडिट रिपोर्ट है, ये देखिए ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट है बच्चे लोगों, और इसी में आई थिंक अपने को कारो मिल जाएगा। ये देखो अदर रेगुलर, ये देखो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, और ये देखिए यहां अपने को मेरे हिसाब से कारो मिलना चाहिए था। कहां गया, ये देखिए बच्चे लोगों, ये यहां से आप मेरे साथ में देख सकते हैं पूरी की पूरी कारो की रिक्वायरमेंट, ये आपके सामने है। देखिए सबसे पहला पॉइंट अपना कौन सा था, अभी अपन ने पीपी कर लिया, पीपी की जगह पहले फिक्स एसेट हुआ करता था। तो द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। बराबर, अपना चेंज हो गया, तो आप देखो ऐसे बनता है। अच्छा सेकेंड नंबर पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, मजा आएगा। सेकेंड पॉइंट अपना अभी भी इन्वेंट्री वाला था, देखो जो मैं आपको बोल रहा था, द कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज and does not have any physical inventory according reporting under clause 3(2) of the order is not applicable. So ye jo 3 paragraph ka second number point is not applicable to the company, ye apan ne yahan pe dikha diya hai na, is tarah se. Tisra wala ab ye change ho gaya, apna loan opinion wala bahut bada ho gaya ab ye, hai na. Acha ab ek cheez aapko main aur main jo batana cha raha tha, ye dekho ye apna tax wala point aa gaya, according the information and explanation. अच्छा एक वो डिपॉजिट वाला भी आपको बताता हूं मैं, कि भी हमने कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं किए, वो शायद अब इसके बाद आएगा, बताता हूं आपको मैं। ये देखो फिफ्थ वाला, यहाँ पे द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर एंड डज नॉट हैव एनी अनक्लेम डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2021 एंड देयर फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि उस वक्त में कारो 2016 से बनाना था, तो ये यहाँ पे इन्होंने दे दिया। बराबर से ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके बाद वाला तो आएगा, सबसे लेटेस्ट ही कर रहे हैं अपन। अब ये देखो ये ड्यूज वाला पॉइंट, क्योंकि हमने टैक्स वैक्स सर्विस टैक्स वगैरह का आप सारा पेमेंट कर दिया है, जो भी अनडिस्प्यूटेड वाला था। देखो कंपनी हैज जनरली बीन रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज, क्लियर लिखा हुआ है बच्चे लोगों, है ना। और कोई भी इससे रिलेटेड भी अनडिस्प्यूटेड कुछ भी नहीं, अनडिस्प्यूटेड अगर कुछ भी है, नो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट पेबल, कुछ भी पेबल नहीं है, हमने सारा का सारा पे कर दिया, सेज वगैरह हमने पे कर दिया। और सबसे बढ़िया चीज, अगर डिस्प्यूट है, मैंने आपको कहा था डिस्प्यूट, ये देखो बच्चों कंपनी पूरा लिस्ट देती है कि ये हमने नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से एक्ट में डिस्प्यूट चल रहा है वो आ गया। सेकंड नंबर नेचर ऑफ ड्यूज की, सर इनकम टैक्स सर्विस टैक्स एक्साइज कस्टम देख लो। फोरम एक वर्ड आया था जहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो पहले वाले में अपील इन ट्रिब्यूनल, सेकंड वाले में इनकम टैक्स अथॉरिटी, फिर अपील इन ट्रिब्यूनल, फिर सुप्रीम कोर्ट, देख रहे हो आप लोग पॉइंट्स को, यहां यहां पे उस फोरम का नाम जहां पे चल रहा है। अच्छा कौन सी पीरियड का, जैसे आप देखो 12-13 से 16-17 असेसमेंट ईयर का चल रहा है, और लास्ट में आता है अमाउंट, अमाउंट देखोगे तो मजा आ जाएगा बच्चों। 1030 करोड़ का पेंडिंग डिस्प्यूट चल रहा है, 1053 करोड़ का ड्यूज चल रहा है, 68 करोड़ का हमारा ड्यूज चल रहा है। इतने सारे ड्यूज इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किए हैं कि भाई ये हमारे ड्यूज कुछ हैं,
और ये ड्यूज क्यों है, क्योंकि इस फोरम में हमारा अभी केस चल रहा है और डिस्प्यूटेड मैटर है, इसीलिए हमने अब तक ये डिपॉजिट नहीं किया है। तो ऐसे उनको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से कि कारो किस तरीके से रिपोर्टिंग को इंक्लूड करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। चलिए जी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों हम लोग, और अगला क्लॉज हमारे सामने जो आता है 9th नंबर क्लॉज पे क्या क्या आएगा। तो अच्छा, इन सबको हम नाम दे चुके हैं, बराबर ना। यहाँ पे ड्यूज हमने नाम दे दिया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमने नाम दे दिया, डिपॉजिट यहाँ पे हमने नाम दे दिया। ठीक है, इसको डायरेक्टली सेक्शन 185-186 से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है, अभी एक बढ़िया चीज आपको बताऊं कि अब हम कहेंगे सर ये इतने सारे पॉइंट्स हमको याद कैसे होंगे, सर इतनी सारी चीजें। देखिए, पूरा कारो एक साथ आने वाला नहीं है, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इन्वेंटरी पे पूछ लिया या पीपीई के ऊपर आपसे पूछ लिया या ड्यूज पे आपसे पूछ लिया, तो बस वो बेसिक पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, सीक्वेंस में बस ये कभी कभार हो गया कि कोई एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया कि भाई इस शेड्यूल के अंदर शेड्यूल 8 जो है इज कनेक्टेड विद कॉस्ट रिकॉर्ड्स, या कॉस्ट की जगह उन्होंने पूछ लिया इन्वेस्टमेंट्स, तो अपने को ध्यान रखना है कि दिस इज रॉन्ग, बराबर, इसका कनेक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड से है या इनकम टैक्स वाले मैटर से है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी एक साथ पूरा कारो एग्जाम में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आ दे। नेक्स्ट पे है बच्चे लोगों, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरोइंग्स, है ना। तो अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट्स ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स, तो ये अपना नाम हो जाएगा डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन में डिफॉल्ट अगर कंपनी ने किया है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के अंदर अगर डिफॉल्ट किया है, अगर यस, अगर हाँ, तो द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, तो उसको एक फॉर्मेट में बना के देना पड़ेगा कि भाई क्या कंपनी ने लोन में, बोरोइंग्स के पेमेंट में किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट किया है क्या, और अगर डिफॉल्ट किया रहेगा तो आपको इधर बताना रहेगा कि भाई क्या क्या डिफॉल्ट इसके अंदर रहे, अपने को ध्यान में रखना है। तो आओ चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट देना है कि भाई नेचर ऑफ बोरिंग्स क्या रही आपकी, भी किस तरह से का नेचर था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो कुछ भी था। ठीक है, नेम ऑफ लेंडर कौन है, लेंडर वाइज डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, तो अलग अलग नाम की भाई ये बैंक का नाम है। ठीक है, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट पे नहीं किया, उसमें से प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, कितने दिन आपने डिले किया, और भी कुछ रिमार्क होते हैं, फॉर्मेट बनाकर। अच्छा, डिफॉल्ट नहीं किया है तो ये कॉल क्लॉज में लिख देंगे देयर इज नो डिफॉल्ट, और अगर किया है तो पूरा फॉर्मेट अपने को बनाकर के देना पड़ेगा। और सेकंड नंबर के ऊपर कि क्या कंपनी इज अ डिक्लेयर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, क्या वो बैंक ने हमको जैसे मालिया वाली को किया ना कि विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं डिक्लेयर कर दिया है, वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा कि भी जो भी अदर लेंडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है उन्होंने हमको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, वो भी यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या देना पड़ेगा, वेदर टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस। अब बच्चे लोगों, ऑडिटर ये भी बताएगा कि जो आपने टर्म लोन लिए, जो ऑब्टेन किए, उनका यूटिलाइजेशन आपने कहाँ किया, उसी पर्पस के लिए किया जिसके लिए लिए थे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने उस पैसे को कहाँ पे डाइवर्ट किया, उसकी रिपोर्टिंग अपने को करनी पड़ेगी। तो जो लोन का पैसा आपने लिया रहेगा, टर्म लोन का, वो उसी पर्पस के लिए यूज हुआ ना, और अगर नहीं तो फिर कहां पे यूज हुआ, ये अपने को यहां पे देना पड़ेगा, बराबर, मतलब रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वेदर फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, ये तो टर्म लोन था, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर लिए और अगर उसको आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज करने का सोचा है, तो फिर नेचर और अमाउंट टू इट बी इंडिकेटेड अपने को बताना पड़ेगा कि लिया तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन उसको आपने कोई लॉन्ग टर्म पर्पस के यूज में ले लिया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह के अंदर, वो भी अपने को इंडिकेट करना पड़ेगा। वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम द एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट और टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट सब्सिडरी, अगर कंपनी ने कोई एंटिटी से या किसी पर्सन से या कोई और किसी अकाउंट में कुछ पैसा लिया, इसलिए लिया अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, तो उसका डिटेल भी आपको यहां पे देना पड़ेगा। कई बार कंपनियां करती है ना भाई, होल्डिंग कंपनी है तो अपनी सब्सिडरी, अपनी एसोसिएट, अपनी वेंचर्स कंपनीज के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इन्होंने पैसा लिया, तो वो डिटेल भी आपको यहां देनी पड़ेगी। और वेदर द कंपनी हैज रेज लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स, अब आप सब जानते हो कि कंपनी का अपनी सब्सिडरी में, अपने वेंचर या एसोसिएट कंपनी में शेयर होल्डिंग होगा, सब्सिडरी है तो मोर देन 50% होल्डिंग होगा, है ना, और बाकी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर के अंदर मोर देन 20%, मतलब 20 और मोर का होल्डिंग होगा। तो अगर इस कंपनी ने बैंक से कोई लोन लिया और बदले में इनकी जो सिक्योरिटीज है, मतलब सब्सिडरी में उसकी जो शेयर्स हैं या ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट में उसकी जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, उसको उसने प्लेज कर दिया, है ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो एक कंपनी एच लिमिटेड है और इसकी सब्सिडरी एच लिमिटेड है, तो एच
के पास में सब्सिडरी कंपनी के 52% शेयर है, तो उसमें से इन्होंने 10% शेयर अपने जो है वो मॉर्गेज करके बैंक से लोन ले लिया। अगर ऐसा कुछ किया है तो उसका डिटेल भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर। और ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, क्या ऐसा लोन पेमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है क्या, अगर वो किया है तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे बच्चे लोगों यहाँ पे डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। हेडिंग क्या दे दोगे, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, है ना, या बोरोइंग्स, लोन्स एंड बोरोइंग्स, उसमें ये सारी चीजें अपने को क्लॉज 9 के अंदर कवर करनी पड़ेगी। क्लॉज 10 का नाम दे दो बच्चे लोगों, आईपीओ। सिंपल, क्या कंपनी ने आईपीओ के थ्रू या एफपीओ के थ्रू, पब्लिक ऑफर दे दो आप नाम इसको, अगर आईपीओ अगर एक स्पेसिफिक लगता है तो पब्लिक ऑफर दे दो, है ना। क्या पब्लिक ऑफर के थ्रू इंक्लूडिंग डेप सिक्योरिटीज, तो पब्लिक ऑफर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या ऐसा किया है गया, क्या पब्लिक ऑफर के थ्रू कंपनी ने पैसा रेस किया है गया, अगर ठीक है, वेदर मनी रेस बाय वे ऑफ आईपीओ एफपीओ ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेस। जैसे ऊपर पढ़ा था आपने कि बैंक से वगैरह लोन लिया तो जिस पर्पस के लिए लिया वही काम आएगा, नहीं तो रिपोर्टिंग करो। सेम यहां पे भी, पब्लिक से जो पैसा लिया वो उसी पर्पस के लिए काम आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो आपको डिटेल देना पड़ेगा। टुगेदर विद डिले और डिफॉल्ट इन सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन, बच्चे लोगों आप लोग सब सेक्शन नंबर 27 पढ़ के आयो। अगर कोई कंपनी किसी पर्पस के लिए पैसा मंगाती है और उसको और कहीं यूटिलाइज करती है, तो एक तरीका हमने आपको सिखाया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप अप्रूवल ले लो, और जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनको एग्जिट प्राइस दे करके फ्री करो, है ना। तो वही आप बताओ कि भाई हाँ सर हमने पैसा और कहीं पे यूज लिया, तो उसके लिए सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन कराया कि नहीं कराया, वो सबकी रिपोर्टिंग अपने को यहाँ पे ऑडिटर देगा कि भाई ऐसा किया कि नहीं किया, कंपनी ने अपने को ध्यान में रखना है। इसी का सेकंड पार्ट, बाय चांस कंपनी ने अगर सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट किया रहेगा या 62 में राइट शेयर किया रहेगा, तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन फॉलो किए कि नहीं किए, उसी पर्पस के लिए पैसा काम में लिया कि नहीं लिया, नहीं तो आपको नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोज करना है। मैं पढ़ देता हूं, वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेक्शन 62 और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर 42 और कन्वर्टेबल डिबेंचर फुली पार्टली 55, अगर मैं आप पढ़ते हो पूरा डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 71 के अंदर, बराबर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने इशू किए, कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो तो 42 और 62 की रिक्वायरमेंट आपने पूरी की कि नहीं की, हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द फंड रेज हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस रेज, वही जिस पर्पस के लिए लिया था वहां पे यूज हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको नॉन कंप्लायंस का क्या नेचर था, उसका क्या अमाउंट था, उसका डिटेल यहां पे देना पड़ेगा। तो नाम कैसे याद रखोगे, सिंपल, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसका सेक्शन नंबर 62 है, कंपनी लॉ में पढ़ के आए हो, प्राइवेट प्लेसमेंट का 42 है, तो इनके कंप्लायंस आपने पूरे किए कि नहीं किए, अगर नहीं किए तो नॉन कंप्लायंस पर रिपोर्टिंग अपने को यहां पे देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रॉड का पॉइंट है हमारा, बहुत प्यारा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे लोगों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, क्योंकि फ्रॉड ऑलरेडी कवर है 143(12) में, फ्रॉड रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, ये अलग से रिपोर्टिंग और होगी। Whether any fraud by the company or fraud on the company, कंपनी ने किया या कंपनी के साथ हुआ, अगर वो नोटिस या रिपोर्ट हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो उसका नेचर और अमाउंट आपको यहां पे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो जो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट को बताते हैं वो 143(12) की रिक्वायरमेंट तो ही है, यहां पे कारों में भी लिखना पड़ेगा, है ना। Whether any report under section 143(12) में, आपको कह ही रहा था, क्या आपने has been filed by the auditor, क्या ऑडिटर ने उसको फाइल किया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड था इसीलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको फॉरवर्ड किया है, ये भी ऑडिटर यहाँ पे लिखेगा। वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसिल ब्लोअर कंप्लेंस, आप जानते हो कंपनी के अंदर के लोग होंगे जिन्होंने ऑडिटर को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया अंदर का, कुछ शिकायतें बताई, तो उसको उसने कंसिडर किया कि नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऑडिटर को वहां पे लिखना पड़ेगा कि यस सर ऐसी ऐसी कुछ कंप्लेन थी हमारे पास में, विसिल ब्लोअर्स आए थे, उन्होंने अंदर की बात बताई, उस बेस पे हमने अपना ऑडिट काम में लिया, हमने अपना ऑडिट किया, वो यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 पे, तो सर इसका नाम क्या रखे आप बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा इस पॉइंट का नाम तो हमारा फ्रॉड ही रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, सीधा सीधा सा नाम याद रखोगे, निधि कंपनी, निधि कंपनी अपने कोर्स में ज्यादा है नहीं तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद करो, इसका डिटेल आपको नहीं बता रहा हूं ज्यादा मैं क्योंकि कोर्स में भी नहीं है। निधि कंपनी के अंदर क्या उन्होंने, जैसे अपने एक होता ना डेप्ट इक्विटी रेशियो,
है ना, ऑलवेज 2:1 होना चाहिए। सेम उसी तरह से निधि कंपनी में जो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट है, खुद के फंड और डिपॉजिट्स, उसका रेशियो 120 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये जो रेशियो है नेट फंड अपॉन डिपॉजिट्स, ये रेशियो रहना चाहिए बच्चों 1:20 का, बराबर 1:20 का रेशियो इनका रहना चाहिए। तो वो ये कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं निधि कंपनी जो है, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, तो भी आपको देना पड़ेगा। अनएंकम्बर्ड का मतलब बच्चों अनसिक्योर्ड। तो अगर कहीं पे निधि कंपनी, आप लोग सब जानते हो जैसे मेंबर लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो जो मेंबर लोगों ने पैसा दिया वो वेदर वो 10% अनएंकम्बर्ड डिपॉजिट मेंटेन करके रख रही है कि नहीं रख रही है। अनएंकम्बर्ड का मतलब बच्चों जिसको किसी भी चार्ज या मॉर्गेज पे नहीं रखा जाएगा, है ना। तो ये 10% उनको हमेशा एक मेंटेन करके रखना पड़ता है डिपॉजिट, जैसे अपन DRR वगैरह में करते हैं भी इतना 15% वगैरह 20% मेंटेन करके रखना, वैसे इनको भी रखना पड़ेगा। तो वो मीट आउट द लायबिलिटीज वो किया कि नहीं किया, और अगर इनमें वेदर कोई भी डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट के पेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में निधि कंपनी ने, तो उसका डिटेल भी आपको यहां पे देना पड़ेगा। तो निधि कंपनी वाले पॉइंट में तीन चीजें, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20 मीट करता है कि नहीं, सेकेंड नंबर जो अनएंकम्बर्ड डिपॉजिट्स उनको मेंटेन करके रखने हैं बराबर वो 10% किसका, जितना भी टोटल डिपॉजिट रहा होगा उसका 10% आपको मेंटेन करके रखना है डिपॉजिट के अंदर, वो किया कि नहीं किया। तीसरा नंबर बचे लोगों, डिपॉजिट और इंटरेस्ट के पेमेंट में निधि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया किसी पर्टिकुलर पीरियड का, अगर वो है तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का नाम ही आप लोग क्या रखने वाले हो बच्चे लोगों, इसका नाम आप रखने वाले हो निधि कंपनी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट है बच्चे लोगों। कंपनीज एक्ट जब अपन पढ़ते हैं तो दो सेक्शन हमारे पास है बहुत जबरदस्त थे, 177 ऑडिट कमेटी आप पढ़ के आए हो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। 188 कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वही रिलेटेड पार्टी जो सेक्शन 276 में है। तो अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टीज के साथ में कोई ट्रांजेक्शंस किए हैं तो इन दो सेक्शंस को फॉलो किया कि नहीं किया, ये अपने को यहां बताना है, ठीक है। वो एप्लीकेबल या एप्लीकेबल होते हैं, पर डिटेल्स जो भी है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, वो आपने की कि नहीं की ये ऑडिटर यहां बताएगा। ऑडिटर यहां इंसुलेटेड कुछ लिख नहीं रहा है, ऑडिटर सिर्फ ये कह रहा है कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए तो 177 और 188 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, हम यहां पे बस ये लिख रहे हैं कि आपने वो रिक्वायरमेंट पूरी की या पूरी नहीं की, खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो नाम क्या दोगे सर, इसका नाम क्या दें हम, इसका नाम आप दे देंगे बच्चों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट पे आ दे, एक और वीडियो इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा बच्चे लोगों में, जिसमें आपको एकदम शॉर्ट के अंदर 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक बता दूं, तब इसको शॉर्ट के अंदर कैसे याद करना है। अभी तो हम पूरा इसका थोड़ा डिटेल पढ़ रहे हैं, अंदर का सारा मैटर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन एग्जाम टाइम में रिविजन के हिसाब से उसको भी तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे लोगों, वेदर द कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट, नाम क्या दे दोगे इसका, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से उनका इंटरनल ऑडिट सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है, मैच करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और क्या स्टेच्यूटरी ऑडिटर यानी ये जो ये रिपोर्ट बना रहा है उसने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसेंट किया या नहीं किया, ये भी अपने को यहां पे बताना पड़ेगा। तो क्या बताना पड़ेगा, वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट बराबर वर कंसिडर्ड बाय द स्टेच्यूटरी ऑडिटर। तो स्टेच्यूटरी ऑडिटर ने जो भी ऑडिट किया रहेगा तो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को उसने कंसिडर किया या नहीं किया, ये अपने को यहां पे देखना पड़ेगा, बराबर क्लियर, वो भी यहां पर वो लिख देगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ में और कुछ उनसे कनेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शंस करती है, अकाउंट से पढ़ते हो ना भाई ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें नॉन कैश एसेट वगैरह प्लांट वगैरह खरीदा बदले में शेयर वेयर दे दिए, तो अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर या उनके रिलेटिव वगैरह के साथ अगर किया है तो आपने 192 के प्रोविजन फॉलो किए कि नहीं किए। तो हेडिंग क्या दे दोगे इस पॉइंट की, नॉन कैश ट्रांजेक्शन बराबर। तो अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन कंपनी ने किया रहेगा तो सेक्शन 192 को कंप्लाई किया कि नहीं किया, उस पर ऑडिटर अपना रिपोर्टिंग या कर देगा कि हाँ भाई कंप्लाई किया या फिर नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते बच्चे लोगों, नंबर 16, 21 है टोटल 16 पे अपन पहुंच गए। अब देखो ये एनबीएफसी के लिए है, अगर कंपनी ऐसी है जिसको आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 45(1)(a) ये सेक्शन होता है बच्चों एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो अपन क्या बता रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हमारी जो है तो हम एनबीएफसी के अंदर क्या बताने जा रहे हैं भाई, क्या अगर कंपनी एनबीएफसी है तो 45(1)(a) में उसने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, समझ रहे हैं, क्या कंपनी को लेना जरूरी था क्या, अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया। सेकंड नंबर पॉइंट समझो,
क्या कंपनी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस का काम कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस का काम अगर कर रही है तो वैलिड सर्टिफिकेट आपने आरबीआई से ले लिया है, तो दोनों पॉइंट लगभग एक जैसे ही है बराबर। इसमें एक हाउसिंग फाइनेंस का काम ऐड हो गया, बाकी चीज वही। तो बहुत सिंपल समझो, जिस कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो मान लो कोई एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो आपको आरबीआई से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ये चेक करना है लिया या नहीं लिया। लिया है तो लिखना है, नहीं लिया है तो लिखना है, नहीं लिया तो पंगा हो जाएगा। तीसरा, अगर कंपनी बच्चों कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती, सर ये क्या होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, डिटेल तो कोर्स में नहीं लेकिन मीनिंग बताता हूं। ये भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी बच्चों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ही होती है, लेकिन इनका लगभग 90% कैपिटल का जो पार्ट होता है ना वो किधर, दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड ही रहता है। तो मैं कह सकता हूं एवरी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज एनबीएफसी, बट एवरी एनबीएफसी इज नॉट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, है ना। इनका मेन काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या ये कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? अगर हाँ तो वो सीआईसी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, जो भी मैंने आपको बता भी दिया है ना। और इन केस अगर कंपनी कोई एग्जम्प्टेड है या अनरजिस्टर्ड सीआईसी है तो इट कंटिन्यू टू फुलफिल तो उस क्राइटेरिया, जैसे अपने भी एग्जम्पशन पढ़े थे, तो अगर आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है, जैसे अपने पढ़ा प्राइवेट कंपनी है 1 करोड़ तक का एग्जम्पशन है, अगर आपका पेड अप कैपिटल या सरप्लस उससे ऊपर नहीं हो तो एग्जम्पशन है, तो क्या अभी भी वो उसको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है? वो प्राइवेट कंपनी की बात थी कि सीआईसी की बात है, कॉर्पोरेट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी अपने को यहां पे देना पड़ेगा। और अगर उस ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है पार्ट ऑफ ग्रुप, अगर हाँ तो कितनी सीआईसी उसके अंदर है, भाई एक पूरा ग्रुप है उसमें कुछ एनबीएफसी है कुछ हमारी सीएसी है, तो कितनी है वो भी आपको डिटेल यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, समझे आप बात को मेरी? तो ये पॉइंट क्या कहता है, नंबर वन, अगर आपकी कंपनी एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो आरबीआई से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं, और अगर है तो लिया कि नहीं लिया। ठीक है, अगर कंपनी सीएसी है तो ये देखना पड़ेगा कि भी वो सीएसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है बराबर, और जिन कंडीशंस के ऊपर एग्जम्पशन मिला हुआ है उनको वो कंटिन्यू फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, ये अपने को देखना पड़ेगा। और अगर उस ग्रुप में एक से ज्यादा सीएसी है तो कितना नंबर ऑफ सीएसी है वो भी अपने को यहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका मेन मोटो ही, जिनका मेन मकसद ही क्या है, दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 17th पॉइंट क्या कहता है बच्चे लोगों, वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस। कैश लॉसेस का मतलब होता है बच्चे लोगों, इसका हेडिंग याद क्या कर लोगे? अच्छा, ऊपर वाले का हेडिंग क्या याद रखोगे? एनबीएफसी। इसका पूरा हेडिंग याद रख लो, एनबीएफसी, है ना। अगले वाले का इसका हेडिंग क्या याद रखो? कैश लॉसेस। कैश लॉसेस होते हैं अपना कैश फ्लो का नेगेटिव बैलेंस। तो क्या कंपनी ने कोई कैश लॉसेस फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं क्या कंपनी को, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जिसका ऑडिट कर रहे हो? अगर हाँ तो अमाउंट कितना है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो जनरली लॉस तो अपन बोलते हैं पीएनएल का जो हमारा बैलेंस आ जाता है, डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया, और ये लॉसेस वो होते हैं कैश लॉसेस जो कैश फ्लो के अंदर हमारा जो नेगेटिव हमको दिख रहा है कैश फ्लो हमारा, वो कैश लॉसेस की तरह से हुए, वो अमाउंट यहां पे अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, 18th नंबर पे आओ, वेदर देयर हैज बीन रेजिग्नेशन। बच्चे लोगों, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया है क्या? सेक्शन 140 में तुम पढ़ के आयो है ना, ड्यूरिंग द ईयर। अगर हाँ तो समझो, यानी कि भाई पहले ऑडिटर मिस्टर ए रहे होंगे, है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब मिस्टर बी आए और इन्होंने ही पूरा ऑडिट किया है, तो बट ऑब्वियस है कारो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो मिस्टर बी जब कारो बना रहे हैं तो वो लिख रहे हैं कि हाँ भाई एक ऑडिटर और थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, और वेदर द ऑडिटर, ये ऑडिटर अपना मिस्टर बी, हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द इश्यू ऑब्जेक्शन और कंसर्न रेज बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। ये जो ए रिजाइन करके गया था, इसने जो कंसर्न उठाए थे, जो ऑब्जेक्शन इसने उठाए थे, इसको मिस्टर बी यानी अभी वाला जो ऑडिटर है जो ये पूरी रिपोर्ट बना रहा है, उसने उनको कंसिडर किया कि नहीं किया उन पॉइंट्स को, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ भाई उनके ये इश्यूज थे जिनको हमने ध्यान रखा है अपना ऑडिट करते हुए, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। आखिरी 3 पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चे लोगों, खत्म हो जाएगा हमारा पॉइंट। अगला पॉइंट, सॉरी इतना बड़ा पॉइंट, इतना बहुत ज्यादा बड़ा है सर ये, एक बार बहुत आराम से पढ़ के देखना, ज्यादा टेंशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑडिटर यहां पे कहेगा, जो एफएम में तुम लोगों ने पढ़े ना, इतने सारे रेशियोज पढ़ते हो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सारे, एजिंग और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट। जो भी हमारे पास एसेट पड़ी है, हमारे इन्वेस्टमेंट पड़े, उनसे कितना पैसा आएगा और कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और दूसरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब ऑडिटर क्या बता रहा है बच्चों, सुनना, ऑडिटर का वेदर द ऑडिटर ओपिनियन, अच्छा पहले ऊपर, सॉरी, द ऑडिटर नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट प्लान। ओके, ऑडिटर कह रहा है कि मैंने फाइनेंशियल रेशियोज देखे हैं,
एसेट से कितना पैसा आएगा और कितनी लायबिलिटीज है मैंने वो भी देखी है, प्लस और अदर इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिख रही है मैंने वो भी देखी है, प्लस मैनेजमेंट के मैंने फ्यूचर प्लान्स भी देखे हैं, उसके हिसाब से उसका ओपिनियन है नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। गोइंग कंसर्न बच्चे लोगों 570 में अपन पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है गोइंग कंसर्न अलग से तो ऑडिट रिपोर्ट में आता ही है, वो यहां पर भी लिख रहा है कि मेरे हिसाब से कहीं पर भी अनसर्टेनिटी नहीं है और कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द लाइबिलिटीज। कंपनी बकायदा बैलेंस शीट डेट पर जो लाइबिलिटीज उनको चुकाएगी उसके अलावा अगले एक साल की जो लाइबिलिटीज रहेंगी उनको भी चुका पाने में सक्षम है। एक तरह से अपन यहाँ पे बायबैक के अंदर एक इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करते हैं, सॉल्वेंसी भी कंपनी अपने अगले एक साल तक दिवालिया नहीं होगी, खर्चे चुका पाएगी। एग्जैक्टली ऑडिटर यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट का बेस क्या? सर हमने आपके कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लिए, हमने एक्सपेक्टेड एसेट से पैसा कब आएगा, जो एफडीज करवा रखी है, जो और एसेट हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट्स है, पर कितना पे करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है, प्लस उसके अलावा मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या जा रहा है, उन सब के बेस पे ऑडिटर यहाँ पे ये रिपोर्ट करे कि कंपनी के पास में अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी कहीं पर भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है एंड कंपनी इज कैपेबल टू मीट द लायबिलिटीज। कौन सी? नॉट ओनली ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बट जो फॉल ड्यू होंगी इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, अगले एक साल की लायबिलिटीज को भी बहुत आराम से चुका पाएगी। इस पर ऑडिटर अपना कमेंट लिख देगा, यहाँ पे इस पर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आखिरी दो पॉइंट बचे लोगों, कारों में जो 21 पॉइंट है उनमें से आखिरी दो पॉइंट अगला, वेदर इन रेस्पेक्ट, बच्चे लोगों ये वही कर पाएगा जिसको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 CSR याद है, इसका नाम क्या दोगे? CSR सर, इसका नाम क्या दें? CSR। उसका क्या सर? ऊपर वाले का क्या दें? ऊपर वाले का दे दो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, इसका नाम अपन दे देते हैं सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, है ना, ये एक तरह से उसको करना पड़ेगा और ये अपन नाम दे दे CSR ही है ये। वेदर इन रेस्पेक्ट ऑफ, याद है तुमको एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होते हैं और एक अदर देन ऑनगोइंग होते हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो अदर देन ऑनगोइंग है उसमें अगर कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है अनस्पेंड में, याद है आपको जो पैसा खर्च नहीं कर पाती है कंपनी वो अनस्पेंड में डालती है और वहां से वो पैसा शेड्यूल 7 के किसी स्पेसिफिक फंड में चला जाएगा, ठीक है 6 महीने के अंदर डालना पड़ता है, तो वेदर इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द कंपनी हैज ट्रांसफर unspent amount to a fund specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year, बराबर? तो वो कंपनी ने किया कि नहीं किया वो ऑडिटर लिखेगा, अगर कर दिया तो लिख देगा हाँ किया नहीं किया, तो ये लिखेगा हाँ नहीं किया, समझ गए? तो याद रखिएगा वर्ड है अदर देन ongoing। सर ongoing में क्या करते हैं याद करो, ongoing project में तो अपन 3 साल तक पैसा एक अलग से अकाउंट खोल के पड़ा रखते हैं, तो वहां रखा कि नहीं रखा? Whether any amount remaining unspent other than subsection 5 of section 135 of companies act, और इसका relation किससे होता है? Ongoing projects से। तो ऊपर वाला other than ongoing, ये ongoing, तो ongoing अगर है तो जो special account आपने बनाया उसके अंदर पैसा डाला कि नहीं डाला? याद रखो अगर ongoing project है तो अगले 3 साल तक वो पैसा हम इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज शेड्यूल 7 के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर ongoing प्रोजेक्ट है तो स्पेशल अकाउंट में पैसा CSR का ट्रांसफर किया कि नहीं किया, और अगर अदर देन ongoing प्रोजेक्ट है तो अनस्पेंड अमाउंट से पैसा निकाल करके सीधा सीधा का शेड्यूल 3 के किसी फंड में ट्रांसफर किया कि नहीं किया, इस पर ऑडिटर को अपना रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा खाली भी किया कि नहीं किया, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और आखिरी पॉइंट बचे लोगों समझना, ये पॉइंट जो है वो सिर्फ CFS के साथ है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनता है उसके साथ में कारों की रिक्वायरमेंट नहीं लगती सिवाय इस पॉइंट के, ये लगता है। अब ये क्या है? वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क, ये वर्ड आप जानते हो ना, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ चुके हो तो आप ये जानते हो, क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कारो रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड इन CFS। सुनना, अब हमारी कंपनी है H लिमिटेड और इसकी बच्चे लोगों समझ लो 3 सब्सिडरियां हैं ए बी और सी, ठीक है, तो तीनों का अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बना होगा, क्या कहते हो, तीनों ने अपना अलग अलग, इसने भी कारो रिपोर्ट बनाई होगी, इसने भी कारो बनाए, इसने भी कारो बनाई, मैं मान लेता हूं ये कंपनी एग्जम्प्टेड वाली नहीं है, सब पे कारो लग रहा है, तो ए बी सी तीनों ने अपना अपना कारो बनाया होगा, कारो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट करी होगी तो बनी होगी, उसमें अगर किसी तरह का कोई एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन है क्या, क्या पता कंपनी बी की जो ऑडिट हुई तो ऑडिटर ने वहां पे एडवर्स रिमार्क लगा दिया हो या क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी हो, अगर ऐसा हुआ क्या? अगर हाँ नहीं तो काम ही खत्म, लिख देंगे भाई कुछ नहीं एडवर्स, अगर हाँ तो आपको डिटेल देना पड़ेगा
कि किन किन कंपनीज के अंदर ऐसा क्वालिफाई रिपोर्ट आया है और वो एडवर्स रिमार्क क्या है, वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कंसोलिडेटेड एफएस के साथ में। आप सुन लो, सीएफएस जो कंपनी बनाती है वो अपने इंडिविजुअल बैलेंस शीट के लिए तो कारो बनाएगी, लेकिन कंबाइंड वाले के लिए, भाई तीनों की अलग अलग कारो बनी हुई है तो कंबाइंड बनाने की जरूरत क्या है, फिर से कारो इतना लंबा चौड़ा बनाया मन, वो नहीं बनता है। लेकिन उस सीएफएस में जितनी जितनी कंपनियां इंक्लूडेड हैं उसमें से किसी कंपनी की भी कारो रिपोर्ट के अंदर या कारो के अंदर रिपोर्ट ऑर्डर में अगर कोई एडवर्स या क्वालिफाई किसी पॉइंट को लेकर के दिया है, भाई एसेट को लेकर के, स्टॉक को लेकर कुछ भी अगर ऐसा ओपिनियन दिया है, ठीक है, आगे पर पढ़ने वाले हैं, ओपिनियन आ रहा है यहाँ पे रीजंस वाला, रीजंस आ रहा है क्वालिफाइड आंसर्स का, अगर ऐसा कुछ भी दिया है तो कौन कौन सी नंबर ऑफ कंपनीज बतानी पड़ेगी आपको कि कौन कौन सी कंपनीज थी जिनमें हुआ, एक में, दो में, सब में, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, वो आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। ये आपने खुद को लिखा है डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट, कौन से डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कौन सी वाली कंपनी, और साथ में कौन सा वाला पैराग्राफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 पढ़ लिया बने तो 20 तक के पैराग्राफ में किसमें एडवर्स रिमार्क है वो भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। ये इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। सर इसको कैसे याद रखे, इसको सीधा सीधा सीएफएस के नाम से याद रख लो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने 21 मैटर बच्चे लोगों इंक्लूड होते हैं, और आखिर के अंदर क्या आखिरी पॉइंट पैराग्राफ 4 का है के लिए रीजंस क्या है हमारे क्वालिफाइड आंसर्स के, वेदर इन द ऑडिटर रिपोर्ट कोई भी जो आपने पैराग्राफ 3 अभी पढ़ा और उसमें किसी भी का भी कोई चीज अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर गया हो, द आंसर ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन जो पैराग्राफ 3 में हमने वेदर दिस पढ़ा और किसी का भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आया है तो ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट द बेसिस फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर। तो हमको उसका रीजन यहां देना पड़ता है, है ना, क्योंकि हमको स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी उन्होंने, इसलिए हमने बनाया, हम ले नहीं पाए, वही अपना पुराना कंसेप्ट है, या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे हिसाब से सही नहीं है, जो कुछ भी है। और अगर ऑडिटर अनेबल है, वही अपना पॉइंट आ गया, ऑडिटर कह रहा है मैं तो ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, अपन पढ़ गया ऐसी चीजों को तो अनेबल है, तो वो चीज भी आपको उसके रीजन इंडिकेट करने पड़ेंगे कि क्यों आप अपना ओपिनियन नहीं दे पाए। अगला ऐसे बढ़िया से एग्जांपल भी है कि इन्वेंटरी लेने गए थे और उनको यहाँ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं की, तो उन्होंने लिख दिया, क्लियर इन्होंने लिख दिया कि भाई इन द गिवन केस द अबव रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी बाय द मैनेजमेंट, उन्होंने कोई किए ही नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन किए ही नहीं, सो इस वजह से हम यहाँ पे अपना रिपोर्ट किसी तरह का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम करना था वो किए ही नहीं है बराबर से, तो हम क्या रिपोर्ट दें। तो ये भी कारों के अंदर जो ऊपर आपने अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर्स आए उसके रीजंस लिखोगे। बाय चांस ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑडिट, नॉट एबल टू प्रेजेंट एनी ओपिनियन, वो अगर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, डिस्क्लेमर टाइप की जो अपन पढ़ते थे, डिस्क्लेमर दे रहा है कि भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, तो उसके क्या रीजंस रहे वो भी आपको कारों में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ये अपना आखिरी पॉइंट था बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले तो एग्जम्पशन किनको मिला, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, उसके अलावा स्मॉल कंपनी, ओपीसी और प्राइवेट कंपनी जो चार कंडीशन को पूरा करती हो। अब पैराग्राफ नंबर थर्ड के अंदर जो हमारे क्लॉजेस इंक्लूड है उनमें पहला नंबर बच्चों पीपी से कनेक्टेड हो गया, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, याद रखोगे, नाम याद रखोगे, सेकंड नंबर इन्वेंटरी के नाम से याद रखोगे, थर्ड वाला पॉइंट बच्चे लोगों लोन एंड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट लोन एंड गारंटी के नाम से आप लोग याद रख लोगे पॉइंट नंबर थर्ड। सर फोर्थ वाला कैसे याद रखेंगे, अगेन गारंटी सिक्योरिटी का है लेकिन इसको सेक्शन नंबर 185-186 से याद करो, नाम याद कर लो या 185 भी करोगे तो चलेगा। फिफ्थ वाला बच्चे लोगों डिपॉजिट के नाम से याद रखोगे आप लोग, कोई भी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो डिपॉजिट के नाम से हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ वाले पॉइंट का नाम हम लोग बट ऑब्वियस है कॉस्ट रिकॉर्ड्स देने वाले हैं, इसका नाम हमारा सीधा सीधा सा कॉस्ट रिकॉर्ड्स रहेगा, क्लियर एकदम से। सेवेंथ वाले पैराग्राफ का नाम आप रखेंगे स्टेच्यूटरी ड्यूज, एक ही नाम दे देंगे जो भी आपके गवर्नमेंट के ड्यूज आ गए इसमें, तो स्टेच्यूटरी ड्यूज ये आप सेवेंथ का नाम दे देंगे। एट का नाम बच्चों हम लोग क्या देने वाले हैं, एट का नाम हमने कहा था एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द, तो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है ना, इसका नाम क्या दे दो, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड नहीं देगा आप, रिकॉर्ड किए कि नहीं किए, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नाम दे दो, बोला भी है देखो अनरिकॉर्डेड इनकम, तो अनरिकॉर्डेड इनकम है ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन, डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है, डिफॉल्ट इन पेमेंट्स, डिफॉल्ट इन ट्रांजेक्शन, कुछ भी ना दे दो तो अपन डिटेल वीडियो लिखते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट का नाम हमने दिया बच्चे लोगों सीधा सीधा से पब्लिक ऑफर दे दिया, पब्लिक ऑफर के बाद पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट साथ ही कर दो उसको, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट चलेगा ये, ताकि याद रह जाए अपने को, ठीक है। फिर 11th का नाम हमारा सीधा सीधा सा फ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हमने नाम दे दिया था।
12th निधि कंपनी अपन ने नाम दे दिया, उसके अगले वाले का नाम अपन ने क्या दिया बच्चे लोगों, 13th का नाम अपन ने दे दिया रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, 14th का नाम हमने दे दिया इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ये प्रॉपर है कि नहीं अपन ने देख लिया ठीक है। उसके बाद बच्चे लोगों 15th का नाम नॉन कैश ट्रांजेक्शंस हमारे हो गए ठीक है। 16th का नाम हमने क्या दे दिया सीधा सीधा सा एनबीएफसी, आपको मैंने बोला था तो एनबीएफसी हमने नाम दे दिया। 17th का कैश लॉसेस हमने नाम दे दिया नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश फ्लो ठीक है। 18th का हमने नाम दे दिया बच्चे लोगों रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सीधा सीधा सा रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन कंपनी सॉल्वेंट कैपेबल टू पे, फिर 20 का नाम हमने सीएसआर दे दिया और लास्ट वाले का हमने सीएफएस दे दिया बच्चों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पॉइंट्स आ गए, ये अपने को सारा डिस्क्लोज करना पड़ता है और उसके जो भी रीजंस रहे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कारों की रिक्वायरमेंट है और आपको मैंने फिजिकली बता भी दिया ठीक है। यहां से आपको मैंने वर्चुअली, फिजिकली नहीं वर्चुअली बता भी दिया कि देखो इस तरह से रिपोर्ट बनती है। हालांकि ये पुराना वाला कारो है हमारा 2016 वाला ठीक है, लेकिन चीजें वो क्यों है तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखो निधि कंपनी ने बिल्कुल अच्छा, अब ये देखो द कंपनी इज नॉट अ निधि कंपनी, तो ये चीज हमारे ऊपर नहीं लग रही है। इन आवर ओपिनियन कंपनी ने 177-188 के प्रोविजंस को फॉलो किया, आप लोग देख सकते हैं बच्चों पूरा का पूरा आ गया। अच्छा पहले ये पॉइंट खाली एक लाइन में ही था तो ये भी लिख दिया कि भाई कंपनी जो है वो 41(1)(a) में है ही नहीं, ये कंपनी तो एनबीएफसी है ही नहीं, सो हमको रिक्वायर्ड नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है, इस तरह से उनको लिखना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसमें सर इसमें वो पैराग्राफ फोर तो आए नहीं बच्चों, पैराग्राफ फोर तब आता जब ऊपर वाले में से किसी का आंसर नेगेटिव या क्वालिफाई होता तो पैराग्राफ फोर की जरूरत पड़ती, अदरवाइज यहाँ अपना टॉपिक खत्म हो जाता। तो 2016 के अंदर आपके जो क्लॉजेस थे वो 16 क्लॉजेस ही थे, आप लोग देख पा रहे हैं, जो अब बढ़ करके जो है वो हो गए 21 क्लॉजेस अपने को लिखने पड़ते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है ठीक है बराबर। तो यहां आकर के आपका कारों का थोड़ा सा डिटेल पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। जल्दी आप लोगों से ट्रिक्स के साथ में शॉर्ट 10-15-20 मिनट में अपन पूरा कारो कैसे रिवाइज कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, फिर आपसे मुलाकात होती है बच्चे लोगों। अच्छे से इसको पढ़िएगा सुनिएगा तैयार करिएगा और स्टडी मैट से पढ़ना एक बार तो मजा आएगा आप लोगों को, तैयारी मजबूत हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट।